हरे कृष्णा खिड़की खोल दो, जब ज्यादा गूंज रहे ना कीर्तन बंद हो गया। ठीक ठीक अंदर में गर्मी भी लग रहा है ना। हरे कृष्ण एक दो खोल दो, खिड़की खोल दो और इधर भी खिड़की खोल दो। हरे कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के गोमस्य ज्ञानांजन सलाप तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीराधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्रीनारायण गोस्वामी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 सारे लोग भी आवाज करते थे। अभी तक आवाज आई नहीं रही, कम से कम इतनी देर से बोलो अपनी आवाज खुद को सुनाई दे। जोर से बोलो बोलो हरे सर्वप्रथम गुरुपाद पद्मत नित्य लीला प्रविष्ट जम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतयुगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग नमन प्रणाम करता हूँ और उनके हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। तदुपरांत शिक्षा गुरु पाद पद्म पूज्य पाद श्रीमद भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग नमन प्रणाम करता हूँ और उनके भी हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। समोपस्थित दाप्रपासु भक्तवृंद ब्रह्मचारीगण सबके चरणों में धाय गणेश प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण बच्चे बोलो सर अभी सही आएगी भाई। तो आप के गांव में दोबारा आए और मेरे को तो सब पहचानते होंगे, सबसे लगाट मैं ही लगाता था। तो अवसर होता है, कुछ अवसर पे बोलना ही पड़ता है, समझाना ही पड़ता है, कहना भी पड़ता है। परंतु अभी ज्यादातर लोग हरि नाम लिए गले में कंठी पहने, बहुत सारे ना संसारिक सवाल होते हैं। मैं कुछ साधारण चीज बोलूंगा जो आपको बहुत लोग बोलेंगे और आधों को समझ में भी नहीं आएगी। तो उस समय वो करना क्या है वो जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमको क्या करना है वो जानना हमारे लिए क्या है बहुत जरूरी है। जैसे कंठी पहने सब लोग है ना, अभी कुछ जगह होती है जहां पर जाते हैं तो सोचते हैं कंठी उतार के जाए या पहन के जाए। सब माताएं समझ रही हैं, किसी का बच्चा जन्म हो जाता है वहां भी ये सोचते हैं सब नामकरण से पहले अशुद्ध जगह क्या करें, या कोई जगत से चला जाता है कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है वहां भी जाते हैं तो आधे लोग सोचते हैं कंठी उतार के जाए पहन के जाए तो अशुद्ध हो जाएगी है ना। ये विचार बहुत लोगों के मन में चलता है, बहुत लोग बोलते भी है। और वास्तव में करना क्या है वहां पर, क्या ये अशुद्ध होगी या नहीं होगी पहले तो यही जान लें। तो कंठी वास्तव में क्या है, तुलसी। अब तुलसी अपवित्र होती है नहीं होती है पहले तो ये समझना पड़ेगा, तब हमें इसका जवाब मिलेगा कि हम कहीं भी जाएं किसी भी परिस्थिति में जाएं किसी के भी घर में जाएं हमको कभी कंठी उतारने की आवश्यकता नहीं। पर तो दिमाग में डाउट रहेगा उतारनी नहीं उतारनी है। देखो जब घर को शुद्ध करते हैं ना किसी भी घर को तो क्या लेते हैं उसमें,
गंगा जल लेते हैं, तुलसी दल लेते हैं, और क्या करते हैं, वो जो शुद्धि करने के लिए जो मंत्र करके उसको पूरे घर में छिड़कते हैं, तो कितना भी पवित्र घर होता है, क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। किससे? तुलसी का दल देने से। अभी तो आपके गले में साक्षात कंठी है, तो इसे पहने रहने से आप पवित्र बने रहोगे या पवित्र हो जाओगे, इस जगह जाकर के बताओ, पवित्र बने रहोगे। क्योंकि ये सबका सवाल होगा, अभी भी पूछेगा नहीं, पर जब ऐसी परिस्थिति में जाते तो सब लोग पूछते हैं। दूसरा सवाल, जो व्यक्ति इस जगत से चला गया है ना, अभी तो चला गया, उसके शरीर को भी छूना क्या मानते सब? अपवित्र मानते। आकर घर पे क्या करना पड़े? घर के अंदर भी नहीं आएंगे, घर के बाहर ही पानी की व्यवस्था करेंगे। पहले तो बाथरूम भी बाहर ही होते थे, अभी तो घर में है, तो रास्ता में से कहेंगे घर से निकल जाओ, कपड़े भी दे देंगे, नहा करके कपड़े चेंज करके बाहर आना, यही नियम है ना। फिर घर में जहां से आते वो भी धोते। अभी वो व्यक्ति जो चला गया, अभी तो शरीर पड़ा है खाली, आत्मा तो चली गई, फिर भी वो चला गया, आत्मा तो है नहीं, खाली शरीर है। फिर भी क्या करते हैं लोग? जबरदस्ती मुंह खोल के उसके मुंह में क्या देते हैं? गंगा जल और तुलसी देते हैं। किस लिए? किसी प्रकार से जीते जी तो लिया नहीं, शायद मरने के बाद लेने पर क्या हो जाएगा, उसका तारण हो जाएगा, होगा क्या? अभी तो शरीर है, खाली शरीर को देने से क्या होगा? आत्मा तो गई, जो व्यक्ति शरीर में जो था, जिसको हम पिता माता भाई समझ रहे थे, वो है, वो तो नहीं है, और शरीर को तो जला नहीं है, तो इसका क्या होगा? पर फिर भी इतना विश्वास है कि यदि मरते मरते किसी के मुंह में गंगा जल तुलसी दे दिया जाए, और अगर वो जीवित है और जीवित होते होते उसके मुंह में दे दो, और यदि उसकी किसी तरह से अंदर चला गया, तो उस व्यक्ति का क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। क्यों? तुलसी और गंगा जल की इतनी पवित्रता है। तो अभी तो आप उस व्यक्ति के घर में गए, स्पर्श कर लो, क्या पहने हो गले में? वो तो शरीर को देने से, शरीर को पवित्र करते थे लोग देकर के, क्या गंगा जल और तुलसी। यदि हम लोग पहनेंगे तो कभी पवित्र होगी? बल्कि अगर किसी स्थिति में अगर हम स्नान नहीं भी कर पाए, तो भी तुलसी होने पर हमारे अंदर क्या बनी रहेगी? पवित्रता बनी रहेगी, चली जाएगी? इसलिए ये सवाल आने वाले समय में सब लोगों के हृदय में आएगा। इसलिए महाराज जी कहते ना, कंठी किसी भी परिस्थिति में हमको अपने से अलग नहीं करते, और यदि कभी हो जाए, टूट जाए, तो क्या करना है? कह रहे जब तक जल भी नहीं पीना है, जब तक दोबारा दूसरी कंठी हम पहनना रहे, उसी को ठीक करके पहन। समझ में आ रहा है? तो ये जो तुलसी की कंठी है, ये कभी भी अपने से अलग नहीं करनी। सब कुछ अलग हो जाए, पर क्या अलग नहीं होना चाहिए? अब मैं दूसरी चीज पे आता हूँ, तिलक है ना। आधे लोगों को तो भी शर्म लग रही होगी, इसलिए किसी ने गोल लगाया, किसी ने कुछ लगाया है ना, काम चला रहे। समझो, समझ लो, इधर पहले इधर सुनोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो सब रह जाएगा, है ना। इधर सुनना पड़ेगा, क्योंकि बार बार तो बुलाओगे नहीं आप लोग, हम लोग बोलते ही ऐसा, ठीक है। तो तिलक, तिलक कैसे लगेगा? आखिर इसकी आदत बनेगी कैसे, है ना? अभी तो ये हमको लगाना नहीं आता, सबको नहीं आता। अभी जो नई नई लड़कियां हैं, उनसे प्रश्न कर रहा हूँ, जो नए नए बच्चे छोटे छोटे, उनसे प्रश्न कर रहा हूँ। बेटा, अभी आप में से किसी को मांग भरना सही से आता है? हंसने की बात, भर सकते हो सही से, परफेक्टली नहीं, लेकिन जिनकी शादी हो चुकी है ना, वो अंधेरे में भी भर के दिखा देंगे, लाइट ना हो तो भी। बिंदी बिल्कुल अंधेरा हो, उठा करके परफेक्ट लगाएंगे, बिल्कुल सेंटर में लगेगी, ना इधर जा सकती है ना इधर जा सकती है। ये एकदम परफेक्ट बात है, इसको कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। गिर भी जाएगी ना, उठा करके सोते में भी लगाएंगे ना, परफेक्ट लगेगी, जहां लगती वहीं, ना इधर होगी ना उधर होगी। क्यों? क्योंकि आदत बन चुकी है ना। अभी अगर हम ये सोच रहे हैं, और तीसरी चीज कि इतनी लंबी मांग भरते हैं, इतनी लंबी बिंदी लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, पूरा सिंगार करते हैं, क्या किसी के जाने सामने जाने में शर्म आती है? नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि किसके लिए लगाया है? अपने पति के लिए लगाया है। कौन सा पति? जो कब तक साथ रहेगा किसी को पता नहीं है। और अगर अभी झगड़ा हो जाए तो बोले तुम अपने घर और मैं अपने घर, एक। और फिर भी देखो, घर भी चले जाएंगे ना, जब तक पति इस जगत में है और हम उससे पूर्णता अलग नहीं हुए, हम बिंदी लिपस्टिक सब लगाते रहेंगे। क्यों? मन में कहीं ना कहीं झगड़ा एक दिन तो खत्म होगा, फिर तो वापस वहीं जाना है, सब कुछ तो फिर से लगाना है, छूटेगा नहीं ना, साधारण सी बात है। तो अभी तिलक क्यों नहीं लग रहा, ये क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अभी हमको पता नहीं तिलक वास्तव में हम लगा किसके लिए रहे। जानते हो, ये जिनके लिए हम तिलक लगा रहे हैं वो सबके पति है। अब इस बात को प्रमाणित कौन कर रहा है? बोले इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं जिनके मंदिर पर कथा हुई ना, वो कौन? शिव जी है। शिव जी का एक नाम है नट,
नटराज, क्या नाम है? नटराज, मतलब जितने लोग डांस करते हैं ना, जितने लोग डांस करते हैं वो किसकी पूजा करते हैं? नटराज की। वो नाच नृत्य करने वालों के कौन है, सब कुछ नृत्य कौन देगा उनको? बोले नटराज, शिव जी। इतने बड़े वो डांस करने में निपुण है, तो जो डांसर्स हैं उनके वो भगवान कौन है? नटराज स्वयं शिव जी। किंतु जब शिव जी ने भगवान को काली नाग पर नृत्य करते हुए देखा ना, ऊपर तांडा बहुत किया, परंतु भगवान जिस तरह से जिस गति से नृत्य कर रहे हैं, शिव जी परास्त हो गए। और शिव जी ने क्या किया, भगवान को उस समय उनको प्रणाम किया, और क्या हो गया, भगवान का वहां नृत्य करने पर, क्योंकि शिव जी उनको प्रणाम कर रहे हैं, अपने स्वामी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए वहां भगवान का नाम पड़ा नटवर। क्या नाम पड़ा? जो नटराज के भी वर है, वर मतलब वर किसको कहते हैं, पति को, स्वामी को। तो जहां शिव जी भगवान को भी अपना स्वामी स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए भगवान का वहां क्या नामकरण हुआ, नटवर। जैसे गिरिराज उठाया है ना, तो भगवान का नाम वहां क्या पड़ा, गिरधर। गिर उठा लिया गिरधर। तो इसी प्रकार से जिन्होंने नटराज को परास्त किया तो वो क्या बन गए, नटवर। ठीक है, तो अभी शिव जी भी भगवान को अपना क्या मान रहे हैं, स्वामी, पति मान रहे हैं। अभी ये तिलक हम किसके लिए लगा रहे हैं, जो इस पूरे संसार के पति हैं, सबके पति, शिव जी के भी पति, हम सबके पति हैं। वो जो कभी हमारा साथ छोड़ेंगे नहीं, यहां तक कि हम किसी भी योनि में चले जाएं, सूअर के में, गधे के में, कुत्ते के में, किसी भी शरीर में चले जाएं, सब हमारा साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन आत्मा के साथ में एक स्वरूप में परमात्मा भी हर जीव के अंदर है। यानी एकमात्र वही भगवान है जो हमारा किसी भी जगह किसी भी परिस्थिति में साथ छोड़ने वाले छोड़ेंगे नहीं, हमेशा हमारे साथ, इतना प्रेम हमसे करते हैं। क्या उनके लिए हम एक तिलक नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, पर किसके लिए सोच के लगाएंगे? जब वास्तविक रूप में हम भगवान के लिए लगाएंगे तो फिर हमें किसी की शर्म लगेगी नहीं। कौन टोकेगा, इस जगत के लोग, ये तो शराब पीने वाले को भी टोकते हैं, तो क्या शराब पीने वाला शराब पीना छोड़ देता है? एक गंदा व्यक्ति गंदा काम करना नहीं छोड़ता, उल्टा लोग उसको टोकना छोड़ देते हैं, इससे कौन, ये तो उल्टा गाली देता है, इससे छोड़ो, रास्ता बदल लेते, दूसरे रास्ते चले, इससे बात नहीं करना, ये उल्टा बोलेगा। तो एक गलत काम करने वाला व्यक्ति अपनी गलत आदत को नहीं छोड़ता लोगों के इतने टोकने के बाद भी, और हम तो संसार का सबसे उत्तम कार्य करने जा रहे हैं, भगवान का भजन, जिसके लिए देवता भी तरस रहे हैं। जिस भजन को करने के लिए क्या कर रहे हैं, देवता भी तरस रहे हैं, और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, किसी प्रकार से क्या दे दो, बोले मनुष्य शरीर दे दो। कौन, जिन देवताओं की हम उपासना कर रहे हैं, शनि, अग्नि, वरुण, सब क्या प्रार्थना कर रहे हैं, किसी प्रकार से हमको ये शरीर मिल जाए ताकि हम यहाँ रह करके भजन कर सके। आपको तो मिल गया, देवताओं को जो दुर्लभ है वो आपको मिला है, अब आपको देखना है कि आपको इसको किस प्रकार से इसको इस्तेमाल करना है। अगर भजन करेंगे तो भगवत धाम वापस चले जाएंगे, जहां पर न बीमारी है, न बुढ़ापा है ना, न रोग है, न शोक है, न मृत्यु है, न जन्म है, कुछ है ही नहीं, सिर्फ आनंद ही आनंद। इसलिए जब कीर्तन करते ठाकुर कहते हैं आनंद ही आनंद बरस रहा, कुछ और नहीं बरस रहा है, वहां पर रुपया पैसा दौलत नहीं बरस रही, क्या बरस रहा है, आनंद ही आनंद बरस रहा। क्यों, सुख दुख भी तो कह सकते थे, सुख कह सकते थे, आनंद भी कह रहे हैं, क्योंकि आनंद कभी घटता नहीं, आनंद हर क्षण बढ़ता है। आनंद बढ़कर परमानंद तो हो सकता है, पर आनंद घट के कभी डिक्रीज नहीं होता, नीचे जाएगा ही, उससे नीचे कोई शब्द ही नहीं है, समझ आ रहा है? तो दो चीजों को एकदम परफेक्टली समझ लो कि यदि हरि नाम ग्रहण किया है तो तिलक धारण करने से और कंठी पहनने से हमारी भगवान के प्रति प्रीति दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। जैसे ये मांग भरने से, बिंदी लगाने से, हमारे पति जब हमको इस रूप में देखते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन एक दिन सब हटा के आ जाओ, क्या कहेंगे, मैं अभी जीवित हूं, संसार से गया नहीं, क्या बात हुई, जब केकई ने हटाया तो दशरथ महाराज छठ पहुंचे उनके पास कि ऐसा भेष आपने क्यों बनाया, ऐसी क्या दिक्कत हो गई, समझ में आ रहा है? तो हमको भी क्या करना है, श्री ठाकुर जी के लिए सजना है। और सजने का क्या है, हमारे पास दो ही चीज है सजने के लिए, एक तो माथे पर तिलक, दूसरा कंठी, और ये दो ऐसी वस्तुएं हैं जिसमें कोई ज्यादा पैसा लगने वाला नहीं है, और कोई इनको लेगा भी नहीं। देखो कंठी कोई नहीं उतारे, घरे सोने चल बड़ो सब उतार लेके जाने के बाद, कंठी तो बोलेंगे इसमें लकड़ी में क्या जाए, इसे कोई नहीं उतारेगा, तिलक है ना, इसे कोई नहीं मिटाएगा, बल्टोटा लगा देंगे, लगा दो अच्छा होता लगा, समझ आ रहा है? तो अच्छे से सारे लोग श्रद्धा के साथ, प्रीति के साथ, किसकी प्रसन्नता के लिए, जगत प्रसन्नता के लिए नहीं, भगवत प्रसन्नता के लिए हमको क्या लगाना है, ये तिलक लगाना है। और आएगा कैसे,
जब रोज लगाएंगे एक दिन क्या होगा, ये सब काम आ गए, ये भी आ जाएगा। तो इसलिए ये चिंता नहीं करनी, इतना समय नहीं है, कौन ऐसी लगा ले, नहीं, पहले 10 मिनट लग सकते हैं किसी के सोचने में, 15 मिनट पे इतना लगेगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ, फिर एक दिन 5 मिनट पे आओगे, फिर 3 मिनट पे आओगे, फिर 1 मिनट में काम होगा। इसलिए इस दो वस्तु के बिना भक्त के लिए महाराज जी कह रहे हैं ना, यमराज जी ने बताया है कि जिसके माथे पर तिलक है, जिसके गले में कंठी है और जिसके हाथ में भगवान का हरि नाम है, उसके आस पास भी जाना नहीं है ना। तो आप सबसे यही प्रार्थना है, आप तो बड़े श्रद्धालु बड़े अच्छे भक्त हैं, हम यहाँ आए ना इस गांव की, हम लोग जहां जाते हैं तारीफ करते हैं, क्यों, क्योंकि ऐसे भक्त हम लोगों ने कभी कहीं नहीं देखे। कारण क्या, प्रसाद को इतना नाचना ठीक है ना। तो ये और एक चीज क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं, कह रहे चार महीने से इन्वर्टर खराब था, लाइट नहीं जा रही थी, लेकिन अभी महाराज जी आए तो अभी 15 मिनट के लिए क्या गई है, लाइट गई और इन्वर्टर सही नहीं कराया ना, और चल रहा है। देखो ये कह रहे इन्वर्टर 4 महीने से खराब है और लाइट गई, खराब था, सही नहीं कराया, लेकिन 15 मिनट से लाइट गई, पंखे चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं आप लोग समझ लो, खराब है, अरे कैसे चल रहा है, तो इन्वर्टर ही जानता है, वो चला रहा है, वो दोनों विदेशी थे, देखो देखो बोल में नहीं चलते, क्योंकि वो भागवत में ही रोके थे। तो आप समझो अभी चल रहे ना इतनी देर से, नाम वैष्णव ये गुरु की ऐसी महिमा, ये पता नहीं चलेगा, पर ये दवाई अपने आप अंदर अंदर काम करेगी। संसार तो सारा चलेगा ही चलेगा, किंतु भजन भी हमारा क्या चलेगा, बड़े प्रीति पूर्वक चलेगा। तो इसलिए गुरुदेव आपके दरवाजे पे दोबारा आए हैं, ऐसा भाग्य ऐसा सौभाग्य बार बार आपको मिल रहा है। हम तो ये कह रहे हैं आप बड़े श्रद्धालु लोग हैं, बड़ी श्रद्धा आपकी बड़ी अच्छी है, बस आपको सही रूप में सही मार्गदर्शन में सही तरीके से भक्ति करते चलोगे, बहुत आनंद आएगा, बहुत जीवन सुखी लगेगा और आपको कोई चिंता कोई परेशानी कभी परेशान नहीं कर पाएगी, ठीक है। वांछा कल्प तरुर्वश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृपा पद्म की जय। माइक जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। एक साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग नमन प्रणाम करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी मात्र भाई बहन सभी के चरणों में मेरा यथोचित नमन प्रणाम। अभी प्रभु जी बता रहे हैं कि भैया बिना इन्वर्टर के पंखे चल रहे हैं, ये तो बहुत छोटी बात है, ये क्या क्या हो जाता है। अगर देखो ये शास्त्रों की बात है, जो संतों के दर्शन हो जाए ना यही बहुत बड़ी बात होती है, संतों के दर्शन होना ही बहुत बड़ी बात है, है? इसका एक छोटा सा मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताता हूँ। एक बार एक भक्त बैठा हुआ था और बड़ा दुखी था। तो उन्होंने देखा नारद जी आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं, ध्यान से सुनिए, कौन आ रहे हैं? नारद जी आ रहे हैं। अब नारद जी को आके उन्होंने देखा तो उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया। तो नारद जी ने पूछा कि भैया क्या हो गया, क्यों परेशान हो, इतने दुखी क्यों? तो उन्होंने बताया कि देखो बात ऐसी है कि ना मेरे ना कोई पुत्र नहीं है, मेरे घर में ना कोई पुत्र नहीं है, मेरे को संतान नहीं है, तो कुछ बताइए उपाय बताओ। तो उन्होंने पूछा नारद जी आप जा कहाँ रहे हो? उन्होंने कहा मैं अभी वैकुंठ जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा एक काम करोगे मेरा? कह रहे हाँ बताओ क्या काम है। आप वहाँ जाना और वहाँ जब जाओगे ना तो नारायण से जब मिलोगे उनसे बोलना कि पता करना कि मेरे घर में संतान कब होगी। उन्होंने कहा ठीक है। नारद जी ने कहा हाँ मैं इतना काम कर दूंगा तुम्हारा, मैं पूछ के आऊंगा, ठीक है।
मैं जाऊंगा और पूछ के आऊंगा भगवान से कि आपके घर संतान कब होगी। और नारद जी चले गए। और जब नारद जी चले गए तो भगवान के पास पहुंचे, तो भगवान से उनकी वार्तालाप हुई। फिर उन्हें ध्यान आया कि एक व्यक्ति था, एक भक्त था, उसने कुछ पूछा है मुझे आपसे पूछने के लिए। तो उन्होंने पूछा, भगवान ये बताओ जो एक भक्त है आपका, वो पूछ रहा था कि उसके घर संतान कब होगी। तो भगवान ने कहा उसके घर कभी संतान नहीं होगी, वो उसके घर कभी संतान नहीं होगी। तो नारद जी ने कहा ठीक है। अब नारद जी ने कहा, दोबारा वापस आ रहे थे तो उन्होंने कहा क्या क्या करूँ मैं, उस भक्त के पास जाऊँ या ना जाऊँ। उन्होंने कहा मैं उसे बताऊँगा बेचारा दुखी होगा है, मुझे और कोसेगा, इससे एक काम करता हूँ मैं उधर जाता ही नहीं। और नारद जी ने वहाँ से रास्ता मोड़ लिया और कहीं और चले गए। काफ़ी सालों बाद कुंभ का मेला लगा हुआ था, नारद जी गए थे कुंभ मेले में। तो उन्होंने देखा उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति आ रहा है सामने से, उसने छोटे बच्चे को कंधे पे बिठा रखा है और चलता हुआ आ रहा है। और नारद जी ने देखा, रे तो वही व्यक्ति है। नारद जी ने कहा मैं मुँह छुपा लिया, ये मुझसे पूछेगा है, मैं तो उसके पास गया नहीं। और नारद जी जाने लग गए, छुप के जाने लग गए। तो उस व्यक्ति ने कहा, अरे नारद जी कहाँ जा रहे हो, प्रणाम किया नारद जी। नारद जी ने कहा, अरे कौन तुम कौन, कह रहे नारद जी भूल गए मुझे, कह रहे अच्छा अच्छा हाँ हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें। तो उन्होंने कहा, नारद जी आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई मेरे ऊपर। नारद जी ने कहा मेरी कृपा, कौन सी कृपा। कह रही वो मैंने आपको पूछा था ना कि मेरे घर में संतान कब होगी, और पता है फिर मेरे घर में ना उसी साल में, उसी दो दो चार महीने के अंदर मेरा पुत्र हो गया, ये देखो मेरे कंधे में। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, है ये तो भगवान से मुझसे झूठ बोल रहा था, इसके घर में संतान ही नहीं होगी है, और एक संतान लेके घूम रहा है। और बड़ा क्रोध आया नारद जी को, ये भगवान उसे बहुत झूठ बोलते हैं है, ये मैं मेरी बेइज्जती करा दी इन्होंने इसके सामने है, मैं क्या क्या करता मैं। नारद जी बड़े गुस्से में वापिस चले गए भगवान के पास, गए भगवान के पास दोबारा वापिस गए बड़े क्रोध में। वहां देखा भगवान जी लेटे हुए बिस्तर में, कहा रहे। तो नारद जी ने पूछा भगवान क्या हुआ। तो नारद भगवान ने कहा मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तो नारद जी ने कहा मेरा एक प्रश्न है। तो भगवान ने कहा एक प्रश्न बाद में पूछना, पहले एक मेरा छोटा सा काम कर दो। उन्होंने पूछा बताओ क्या कार है। कह रहे पृथ्वी लोक में जाओ और एक ऐसा संत ढूंढो, ऐसा मेरा एक भक्त ढूंढो जिसने मेरे लिए सब कुछ त्याग कर दिया हो है, और वो व्यक्ति अगर अपने प्राण त्याग कर देना मेरे लिए, तो मेरी जो मेरे अंदर ना मुझे बहुत बुखार है और मेरे शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है, जैसे व्यक्ति अपने प्राण त्याग करेगा ना तो मुझे मेरे यहाँ शांति मिलेगी, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो भगवान नारद जी ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। नारद जी घूमे 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 और उन्हें कोई व्यक्ति नहीं मिला, कोई व्यक्ति नहीं मिला ऐसे जिससे बोले कि भैया अपने प्राण त्याग दोगे, कोई प्राण त्याग त्यागना चाहता है अपने, सबसे ज्यादा आदमी को प्रिय क्या अपने प्राण। कोई किसी से बोला भैया अपने जेवरात दे दे, पैसा धन रुपए दे दे, वो दे देगा, लेकिन उससे बोला अपनी जान दे तो दे देगा, नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। तो भगवान ने कहा तुम एक जो साधु बैठता उस पेड़ के नीचे उसके पास गए थे। तो नारद जी ने कहा नहीं वो उसके पास नहीं गया। तो ना भगवान ने कहा जाओ उसके पास जाओ पहले। तो जब वो उसके पास गए तो उन्होंने उससे बोला कि ऐसी बात है भगवान की ना बहुत तबीयत खराब है ना, तुम एक काम करो अपने प्राण दे सकते हो। उस व्यक्ति ने कहा, उस व्यक्ति ने उसी समय एक चाकू लिया और प्राण देने के लिए खड़ा हो गया। तो भगवान वो प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए और भक्त को अपने दर्शन दिए। तो नारद जी ने कहा भगवान ये क्या लीला है, ये क्या मतलब क्या करते रहते हो आप, वो कभी झूठ बोलते हो यहाँ पर झूठ बोल रहे हो, क्या करते हो आप, हो क्या रहा है। तो भगवान कह रहे मैं भैया तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि संतों की महिमा। कह रहे तुम्हारे मन में प्रश्न है ना कि उस परिवार में जिसके घर में बच्चा ही नहीं होना था उसके घर में संतान हो गई, ऐसे कैसे हो गया। तो उन्होंने भगवान ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद वो व्यक्ति संत के पास आया था और उस व्यक्ति ने संत की सेवा की, थोड़ी सी सेवा की, और संत ने प्रश्न हो गया बोल दिया ठीक है तुम्हारे घर संतान होगी। तो भगवान ने क्या बोला, कह रहे कि जो चीज मैं भी नहीं दे सकता ना वो मेरे भक्त दे सकते हैं, और मैं अपने भक्तों की कही हुई बात को कभी मना नहीं कर सकता। तो ऐसा संतों की महिमा है। तो यहाँ भगवान बता रहे कि संत जो है ना भगवान के जो भक्त है वो हर चीज देने में समर्थ है, ठीक है, भगवान चाहे वो दे ना दे, लेकिन जो भगवान के भक्त है संत लोग है वो हर चीज प्रदान करा सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों को आज हम संतों के दर्शन हो रहे हैं, हम लोगों को बहुत बड़ा सौभाग्य है, ठीक है। लेकिन संत हमें क्या देने आए, ये क्यों आए हैं आप, क्या बताने आए आपको, क्या बताने आए, क्या करो, क्या देने आए वस्तु, वास्तव में क्या देने आए। एक छोटी सी कथा बताता हूँ। एक बहुत बड़ा राज्य था, तो वहाँ राजा था ना, उसका एक बहुत बड़ा बगीचा था, बड़े बड़े सुंदर सुंदर तरह तरह के फल वहाँ लगे रहते थे, मीठे मीठे ऐसे फल जो हमने देखे ही नहीं, ऐसे ऐसे फल जो हमने नाम ही नहीं सुने। तो राज जो गाँव था ना, गाँव गाँव के लोगों की बड़ी इच्छा हुई कि हम जाएंगे उस गाँव
राजा के बाग में अभी कभी हमें जाने का अवसर मिलेगा? हमने सुना है राजा के बाग में बड़े बड़े मीठे मीठे तरह तरह के फल है, है ना? और हम तो गांव में रहते हैं, हमें तो हमने तो ऐसे फल देखे भी नहीं। जो वहाँ काम करते हो बताते हैं, अरे ऐसे ऐसे मीठे मीठे फल है, हमने तो ऐसे फल देखे भी नहीं, तो कभी हम ऐसे फल खा भी पाएंगे? तो सारे के सारे गाँव वासियों ने ना राजा से प्रार्थना की कि राजा राजा हमें एक दिन के लिए अपने बाग में घूमने का अवसर दो। राजा ने कहा ठीक है, कल सुबह 5 बजे सारे के सारे यहाँ आ जाना और मैं आप सब लोगों को अपने बाग में एंट्री दूंगा, लेकिन मेरी शर्त है, कुछ शर्त है। उन्होंने पूछा क्या शर्त है? मेरी पहली शर्त यह है कि जैसे तुम बाग के अंदर जाओगे तो वहां जितने फल तुम्हें खाना हो खाना, लेकिन आते हुए ना मैं सबको एक एक थैला दूंगा, एक एक बैग दूंगा, उसमें मेरे लिए बढ़िया बढ़िया फल चुन के लाना। उन्होंने कहा ठीक है। और दूसरी शर्त यह है कि मैं कभी भी बुला सकता हूँ, तुम जाओ, कोई दिन फिक्स नहीं है, मैं जब आप लोगों को बुलाऊंगा तब आपको आना पड़ेगा। सब लोग बड़े खुश हो गए, बड़े मजे आ गए। तो राजा ने सुबह अगले दिन 5 बजे लोग तैयार होके बिल्कुल लाइन लगा के खड़े हो गए। राजा ने अपना बाग खोल दिया, बहुत बड़ा विशाल बाग था, कई हजारों करोड़ों एकड़ एकड़ में फैला हुआ। सारे के सारे गाँव वासी चले गए, कोई आम खा रहा है, कोई तरबूज खा रहा है, कोई सेब खा रहा है, कोई कीवी खा रहा है, ऐसे ऐसे फ्रूट खा रहे हैं, ऐसे ऐसे फल खा रहे हैं, अद्भुत अद्भुत, वो देवताओं की कृपा से मिले थे ऐसे फल। अरे लोग बड़े आनंद में। अब कुछ लोग ऐसे थे, वो क्या कर रहे, उन्हें ध्यान आया, राजा ने उन सबको बैग दिया। कुछ लोगों ने कहा भैया मैं एक काम करता हूँ, पहले अच्छे अच्छे फल राजा के लिए भर लेता हूँ, उसके बाद में अच्छे जो बच जाएगा फिर खुद भी खाऊंगा। कुछ लोगों ने क्या किया, अच्छे अच्छे फल बैग में भर लिए, ठीक है। और कुछ लोगों ने क्या करा कि सड़े गले फल जो थे ना, उन्होंने कहा किसको पता चल रहा है, इतना बड़ा गांव है, जैसे सोरखा गांव है, 10,000 परिवार है, किसको पता चल रहा है किसका थैला है, किसने क्या कर नीचे सड़े हुए फल भर लिए बैग में, अब थैला भर लिया अपना और बिल्कुल कस के बांध दिया। अब कुछ ऐसे भी थे, उन्होंने कहा भैया क्या करें, टाइम है नहीं इतना, हमें तो इतने अच्छे अच्छे फल खाने, अब मैं राजा के लिए फल तोड़ू या अपने लिए तोड़ू, है। उसने क्या करे, ईंटे पत्थर घास फूस लकड़ी पकड़ी वही भर दिया और थैला बिल्कुल पैक कर दिया। और राजा का आदेश आ गया, आ जाओ वापस आ जाओ। अब सब लोग वापस आ गए, सारे गांव वाले बड़े खुश, सारे गांव वाले। राजा ने कहा बड़ा आनंद आया? सबने कहा महाराज बड़ा आनंद आया। तो राजा ने कहा मैंने जो बताया था मेरे लिए लाए फल? सबने कहा महाराज ये देखो, सबने दिखाया ने थैले, अरे बड़े बड़े। महाराज ने कहा बहुत बढ़िया। तो महाराज ने कहा ठीक है, काम करो सिपाहियों, इन सब लोगों को ना इनके थैलों के साथ जेल में बंद कर दो 10-10 दिन के लिए। बढ़िया बढ़िया, सबने कहा हाँ, इन सबको इनके थैलों के साथ 10 दिन के लिए जेल में बंद कर दो कालकोठरी में, और सबको बंद कर दिया। अब देखो जिन लोगों ने सड़े गले फल रखे थे क्या करते, एक दिन दो दिन 5 दिन बाद और बीमार पड़ गए बिल्कुल अधमरी हालत में, ठीक है। और जिन लोगों ने बढ़िया बढ़िया ताजे ताजे फल भरे थे 10 दिन उन्होंने बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास खाया और हट्टे कट्टे हो गए, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब कुछ जिन लोगों ने ईंटे पत्थर मिट्टी भरे थे क्या खाते हो, 2-3-4 दिन में वो मर गए, मर गए। जब कुछ नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मर जाएंगे। तो वही स्थिति देखो, ये क्या है, वो लोग क्या है, ये स्थिति हम लोगों की है। हम लोग इस संसार में आए है ना, भगवान हमें कभी भी बुला सकते हैं, कभी भी बुला सकते हैं हमें, और सबको एक एक थैला दिया है, क्या है, कर्मों का थैला, है ना। हमारे साथ क्या जाएगा, भगवान का नाम भजन। अब हम लोगों के ऊपर है कितना हम जोड़ सकते हैं, है ना, और कितना हम हमारे ऊपर है, हम कितना यूज कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, अंतिम समय में कुछ जाता है, कुछ नहीं जाता। एक ही चीज बोलते हुए आते क्या, राम नाम सत्य है, जो राम नाम वास्तव में सत्य है वही हमारे साथ जाएगा। तो अभी हम लोगों के पास अवसर है कि जितना हम अच्छा अच्छा जोड़ सकते हैं, क्योंकि वही हमारे आगे काम आएगा, बाकी कुछ काम नहीं आने वाला। नहीं तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, जब कुछ हमने जोड़ा ही नहीं फिर भाई गधे सुअर बिल्ली चूहे इसी योनियों में भटकते रहेंगे। कोई भटकना चाहता है, नहीं चाहता ना, सब चाहते हैं कि बढ़िया से, जैसे वो जेल में भी रहे हम मजे से रहे, हम भी चाहते हैं कि जितना हम भजन करेंगे और अच्छे से बढ़िया से भगवान के धाम में रहेंगे। तो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा ये धन जोड़ लो, है ना। बस इतना बोल के मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। वंशा कर हरे 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 हरे
जो कथा सुना रहे ना, अब ये जो बच्चा ने जो कथा सुना, बच्चे ने जो कथा, कहाँ तक पढ़े हो? मैंने MBA किया हुआ है। और नौकरी कर रहा है, कहाँ नौकरी कर रहे हो? मैं EXL सर्विसेज नोएडा में सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता हूँ। नौकरी कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहा हूँ और बॉक्सर हूँ। बच्चे लोग सब अपना अपना काम धाम कर रहे हैं, इसने सब छोड़ छाड़ दिया, सब अपना काम धाम कर रहे हैं और भगवान की भक्ति भी करते हैं, ठीक है ना? इसलिए आप लोग भी अपना बच्चों को बल तुम लोग पढ़ाई करो, दिखाई करो अच्छे तरह से, लेकिन उसको साथ साथ में भगवान की भजन भी करो, ठीक है ना? अगर भगवान की भजन करते हुए अगर सब कुछ काम करेंगे तो सबके सब हरे भरे रहोगे, एकदम फलते फूलते भी रहोगे, हैं? अगर थाली और में अगर सब क्या सड़े गड़े अगर फल में डाल दोगे तो कुछ ही नहीं मिलेगा, इसलिए जितना दूर हो सकता है खूब भजन करो, बच्चों को भी उनका भजन मिला करो। ओमज्ञानदीमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पद्रुभश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्रीअद्वैतगदाधर श्रीवासादिशिखरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदर्शन त्रिवेणी स्वामी शिष्य भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि अनंत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म श्रीपाद परमेश्वरी प्रभु के चरण कमलों में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णव के चरणों में यथायोग्य प्रणाम अर्पण करता हूँ। जैसे गुरुदेव का आदेश हुआ कुछ हरिकथा सुनाने के लिए, मेरी तो कोई योग्यता नहीं है हरिकथा सुनाने की और ना मुझे कुछ हरिकथा आती, तो जो गुरु वैष्णव से मैंने श्रवण करा उनसे कुछ सीखा वो आपके साथ बांटने की दो मिनट कोशिश करूंगा। अगर कुछ मुझसे गलती या कुछ ऐसा कुछ बोल जाऊं जो आपके दिल को थोड़ा हर्ट हो तो मुझे माफ कर देना। तो गुरुदेव यहाँ पे आए हैं, हम सात सात दिन यहाँ पे कथा चली, अभी भी कीर्तन हो रहा है, उस घर में भी प्रोग्राम हुआ, तो इन सब का तात्पर्य क्या है, कोई मुझे बता सकता है कि इन सब चीजों को करने का तात्पर्य क्या है? क्यों गुरुदेव इतनी दूर से अभी नोएडा मठ में प्रोग्राम होता है वहां छोड़ के यहाँ पे आए हैं, फिर यहाँ से अभी गुरु जी 6 तारीख को फिर कहीं चले जाएंगे, फिर वहां से फिर कहीं चले जाएंगे, तो जगह जगह लाके जाके लोगों को ऐसे प्रवचन करना ऐसे बुलाना उसका तात्पर्य क्या है, कोई मुझे बता सकता है? ज्ञान देना और कोई हरि की प्राप्ति। तो मैं एक छोटा सा श्लोक बताता हूँ, उसमें शास्त्रों में एक श्लोक है, निर्दे माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्रभम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूल नभस्व तेरितम पुमान भवादि न तरित स आत्मा। मतलब है निर्दे माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, मतलब ये जो हमें शरीर मिला है ना ये बहुत ही दुर्लभता से मिला है। हम सबको पता है शास्त्रों में बताया गया कितने प्रकार की योनियां होती है, 84 लाख, सबको बताया, तो ऐसा तो कोई नहीं जिसको नहीं पता, घर में सबके घर में शास्त्र पुराण कोई ना कोई गीता भागवत रखी रहती है, सबको बताते हैं माँ बाप की भैया इतने टाइप की योनियां होती हैं, इसके बाद जाके कहीं हमें एक मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, बहुत ही दुर्लभ है ये, पर हमें कैसे मिल गया, भगवान की कृपा से बड़ी सुलभता से मिल गया। हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम, अभी संसार को क्या बताते हैं कोई मुझे बता सकता है? भवसागर बोलते हैं ना इस संसार को, क्या बोलते हैं? भव सागर, सभी जानते हैं इस बात को, नहीं इस बात को, इस संसार को क्या बोलते हैं? दुखालय, भव सागर। तो उस सागर को पार करने के लिए क्या चाहिए, अगर किसी व्यक्ति को सागर पार करना हो तो क्या चाहिए उसे? नाव चाहिए। क्या छोटी मोटी नाव से बात बन जाएगी? नदी पार करनी हो तो छोटी मोटी नाव चलेगी, पर लेकिन अगर समंदर पार करना हो शिप तो कैसी चाहिए? भाई सॉलिड जहाज चाहिए, छोटे मोटे से बात नहीं बनेगी। तो ये शरीर कैसा है? प्लवम सुकल्पम, यानी बहुत ही सुदृढ़ नौका है। अब सिर्फ हमारे पास जहाज है और हम हैं, अब कोई डायरेक्शन देने वाला कैप्टन नहीं है, तो उसे चलाएगा कौन? चला सकते हैं, पर जो झरना बह रहा है वो उसी झरने के साथ जा रहा है, जहाज भी झरने के साथ ही नीचे, जहाज भी गया और हम भी गए, तो हमें जहाज को चलाने के लिए कौन चाहिए? एक कैप्टन चाहिए। तो गुरुदेव कौन बताया? गुरु कर्ण धारम, उस जहाज के गुरुदेव कौन बताए हैं? कैप्टन बताए हैं।
बोला हमें शरीर भी मिल गया, गुरुपाद पद्म भी मिल गए, और भगवान अब यहाँ पे एक चीज की और कमी रह गई। बोले क्या? बोले आपके पास कैप्टन भी है और जहाज भी है, लेकिन अगर आपकी जो हवा है वो आपके उल्टी डायरेक्शन में चल रही हो, यानी कि आपको जाना है उत्तर दिशा की तरफ और हवा चल रही है दक्षिण दिशा की ओर, तो जहाज कोई आसानी से जा पाएगा? जा पाएगा? तो नहीं जा पाएगा ना, बड़ी मुश्किल होगी, तूफान आंधी बिजली पता नहीं किन किन चीजों का सामना करते हुए जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं उस हवा के समान हूँ, अनुकूल हवा के समान हूँ जो उस जहाज को उत्तर दिशा की तरफ लेके जाएगा। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि इतना सब कुछ मिलने के बाद भी, अभी हम यहाँ पे बैठे, हमें सब कुछ मिल गया नहीं मिला, हमें हमारा शरीर मिला हुआ है, गुरुपाद पद्म मिले हुए हैं, भगवान का नाम कीर्तन हो रहा है, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी, गुरु जी के जाने के बाद यहाँ पे अगर कोई उसको अपने हृदय में धारण करने की चेष्टा ना करे, यानी कि अपने कल्याण की चेष्टा ना करे, तो उसे क्या बताया? आत्म हाँ, यानी कि अपना आत्महत्या करने के समान है। तो वास्तव में जब जैसे लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोगों ने कुछ वैसे मर गए और कुछ टेंशन में मर गए, किसी किसी ने सुसाइड कर ली, मेरे खुद के 3 दोस्तों ने सुसाइड कर ली। तो वास्तव में सुसाइड करना है, लेकिन वास्तविकता सुसाइड क्या है? बोले इतना सब कुछ मिलने के बाद भी अगर अपना कल्याण नहीं कर पा रहे हैं, उसी चीज में लगे हुए हैं, आहार निद्रा भय में, तुम जानवरों में और हमें क्या फर्क है? कोई मुझे बताएगा कि जैसे अभी बाहर जो कुत्ते घूम रहे और हम यहाँ बैठे, हम दोनों में क्या फर्क है? कोई तो बताओ, यहाँ भैंस गाय कोई पालता है? यहाँ सभी पालते हैं, उनमें और हमें क्या फर्क है? देखो उन्होंने तो कहते कुछ भी नहीं, और कोई सभी अग्री है इस बात से? ये बात माता जी यहाँ पे ज्ञान भाई, यहाँ पे माताओं की संख्या बड़ी रहती है, माता यहाँ पे सबसे ज्यादा ज्ञान है, माताओं के लिए जोर से ताली हो जाएगी। बस ठाकुर जी दिल में धारण कर लिए तो क्या हो गया? सब कुछ हो गया। अगर देखो वो जो गाय है जो घर में बंद रही, वो 4 काम कर रही है, क्या कर रही है? खा रही है, बच्चे पैदा कर रही है, सो रही है और मर रही है, नहीं दूध तो दे रही है। तो बात ही इसलिए दूध देना बंद कर रही है, कौन घर में बात रहा है, दूध तो दे ही रही है। मेनली 4 काम जो कर रही है, खा रही है, बच्चे पैदा कर रही है, सो रही है और अपने टाइम आने पे बढ़ रही है। अब हम लोगों को देख लो, हम क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, उन्हें बड़ा कर रहे हैं और समय आने पे मर जा रहे हैं। अब वो बात अलग है कि हमारा बच्चा इतना एजुकेटेड है, हमारा बच्चा उतना एजुकेटेड है, कमानी उसने क्या उस एजुकेशन से? 2 टाइम की रोटी, बल्कि वो गाय ज्यादा अच्छी है, उसे एक जगह पर बैठे बैठे मिल रही है। कर कौन रहा है उसके लिए? आप लोग। उसे कहीं जाना नहीं पड़ रहा, उसकी सानी भी कौन कर रहा है? आप ही कर रहे हो। उसका गोबर कौन ठा रहा है? आप ही ठा रहे हो। तो उसे कुछ करना पड़ रहा है? भैया हमें इतनी डिग्री लेने के बाद ही बाहर जाना पड़ता है, औरों की सुननी पड़ती है, HR ऊपर हमारे जो TL होते हैं उनकी सुननी पड़ती है, उन्हें सुननी पड़ती है, कोई कुछ नहीं सुननी पड़ती। 2 टाइम दूध देना, मस्त रोड मिल रही है, 2 टाइम सानी, नहाया भी जा रहा, गोबर कोड़ा सब करा जा रहा उनका, तो हमसे ज्यादा अच्छे कौन हो गए? वो हो गए नहीं हो गए? मानते नहीं मानते, लेकिन वो एक चीज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर ठाकुर जी का हरि नाम कर रहे हैं, क्या वो कर सकते हैं? उनमें कोई है जो करताल मृदंग बजा दे आके? है उनमें कोई? उनका प्लान बनेगा क्या? और आओ आ जाके हरि नाम करते हैं, ऐसा है क्या? बोले नहीं, ये जो अपॉर्चुनिटी मिली, किसे मिली है? हमें मिली। तो इतना सब कुछ मिलने के बाद भी अगर हम ये चीज को मिस कर दें, इस चीज को छोड़ दें, उसी तरीके की जिंदगी बिता दें, तो फिर हमारा जीवन कैसा है? पशु के समान ही है। एक छोटी सी हरी कथा, एक छोटी सी मतलब एक एग्जांपल देके बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति भिखारी था, वो भीख मांगता था, हट्टा कट्टा था। तो एक दिन उसकी मुलाकात एक सेठ से हो गई। अब सेठ से मुलाकात हुई तो कुछ लोग होते हैं ना जो भीख मांगने वाले को हड़का देते हैं, बोल जैसे कभी कभी हम जब मठ में जब भिक्षा मांगने जाते तो हमें भी हड़का देते, बोले इतना अच्छा शरीर ले रखा, पढ़ते कमाते क्यों नहीं, तुम भीख मांग रहे हो। वो बात अलग है, हम मठ के लिए ठाकुर जी की सेवा के लिए भिक्षा मांगते थे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो भाई भीख मांग रहा तो सेठ ने उसे हड़का दिया, बोले इतना अच्छा शरीर ले रखा है, कमाना धमाना नहीं आता क्या, क्यों भीख मांगता है? तो भाई वो व्यक्ति बोलता है कि भाई सेठ क्या मैं कमाना नहीं चाहता, कमाना तो मैं भी चाहता हूँ, मैं भी मेहनत करना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अब इस क्वालिफिकेशन ना होने के चक्कर में कोई मुझे जॉब नहीं देता, अब जॉब नहीं है तो पैसा नहीं आ रहा, और उस पैसे के लिए मुझे जगह जगह भीख मांगनी पड़ रही है। बोले चल अच्छा ठीक है, मैं तो जॉब देता हूँ, तो चिंता मत कर,
जॉब करना चाहता है, मेहनती है, बोले आप चिंता, आपने अगर मुझे जॉब दी मैं दिन रात एक कर दूंगा, आपके बिजनेस को चार चांद लगा दूंगा, आप बस मुझे जॉब देकर तो देखो। अब साधु जो सेठ है वो देख के बोलता है इसमें तो बड़ी डेडिकेशन है, तो एक काम करते हैं इसे बिजनेस प्रोवाइड करते हैं कुछ। तो बोलते तुम्हारे साथ में एक बिजनेस खोलना चाहता हूँ। तो बोलते कैसा बिजनेस? बोला कि बिजनेस बताऊंगा, बोले पार्टनरशिप होगी हमारी। कह रही बोले कैसी पार्टनरशिप? बोले 90% और 10% की। तो वो तो खुश हो जाता भिखारी, बोला अभी तक तो मैं भीख मांग रहा था, आज शायद 10% का मालिक बन जाओ पर बिजनेस में। तो फिर वो सेठ बोलता कि 10% का नहीं 90% का मालिक बनाऊंगा मैं तुझे। अब वो भिखारी बोलता है सेठ भीख देनी है तो दे दो, मजाक क्यों उड़ा रहे हो मेरा, क्यों मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अब आपसे कोई सडन आके बोले कि मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, 90% का मालिक आपको बनाऊंगा, तो लोग कहेंगे अरे तो अपना काम कर क्यों हमारे यहाँ पागल बना रहा है, साफ सीधी यही कहेंगे। तो वो भी यही कहता है। तो बोलते नहीं मैं तो मजाक नहीं कर रहा, सच में मैं तेरे साथ चावलों का बिजनेस करूंगा, उसमें 90% तेरा 10% मेरा। करना क्या होगा, तुझे दुकान पर जाके वो चावल बांटना है, देखना है जितना भी तो प्रॉफिट कमाएगा उसमें से 90% तेरा और 10% तू मुझे मेरे घर पे आके दे दियो। तो बोलता है मालिक आप बिल्कुल चिंता मत करो, आज से ही काम पे लग जाऊँ, आज से क्या मैं अभी से ही काम पे लग जाऊंगा, और काम पे लग के आप देखना आपको बिजनेस दिन दुगना रात चौगना बढ़ा दूंगा, प्रगति बढ़ा दूंगा पूरी। तो मालिक बोलता ठीक है, उसके हाथ में बिजनेस सौंप देता, घर चला जाता है। अब वो व्यक्ति जहाँ कल भीख मांग रहा था आज बिजनेस का मालिक बन गया, वो काम कर रहा है अपना। अब सेठ महीने की लास्ट तारीख को आके वेट कर रहा होता कि हाँ मुझे मेरे घर पे आके क्या मिलेगा, 10% वो मेरे घर पे आके दे। वो बड़ी मेहनत करता है, वो व्यक्ति खूब कमाता है, मालिक के पास आता है, मालिक सोचता है आखिरी महीने मुझे मेरा 10% मिलेगा, अभी वो आता नहीं देने के लिए। तो मालिक सोचते लगता है बंदा ज्यादा मेहनती है, भूल गया होगा अगले महीने दे देगा। दूसरा महीना बीत जाता है तो वो सोचता है भाई इतना कैसे डेडिकेशन हो गया, कभी भूल रहा है, तो वो फिर भूल जाता है। तीसरे महीने में जाता है, तीन चार महीने ऐसे बीत जाते हैं, जब छह महीने बीत जाते हैं तो मालिक सोचता है कि इतनी मेहनत भी ठीक नहीं, पता चला राम नाम सत्य ही हो गया हो, कहाँ जा रहा है क्या पता तो करूँ क्या क्या हिसाब किताब है। वो जाता है उसके घर पर नॉक करता है, देखता है भाई घर तो बड़ा उसने आलीशान बना लिया। बोले मतलब काज कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। तो बोले चलो मिलते हैं, इससे क्या काम चला, मेरे 10% कुछ तो दे मुझे। नॉक करता है दरवाजा, वो बाहर निकल के आता है। तो बाहर निकल के आता तो बोलता है भाई आपको, गेट खोल के जो सामने व्यक्ति खड़ा होता है मालिक, उसको देख के वो जो भिखारी होता है क्या बोलता है, आप कौन? अब एक बात बताओ, आपके साथ अगर कोई ऐसा करे तो आप उसे क्या कहोगे? क्या कहेंगे? नहीं बताओ कोई दिक्कत नहीं, बताओ अपने अपने विचार तो कुछ तो कहते हो, सच में अगर आपके साथ कोई ऐसा करे आप उसे क्या कहेंगे? क्या कहोगे माँ उसे, क्या कहोगे? जब उसने हमें राम रोटी दही है अपनी, हम भगवान की लगन में लग गए, अब भाग मांगना भी तो क्या करेंगे? इसका मतलब ये है कि 100% भगवान है, ठाकुर जी ने 100% सुविधा दे रखी है, तो उसे क्या कहेंगे हम? एक तरीके से क्या बोलेंगे, धोखे बाद नमक हराम है तो बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अब एक बात बताओ, हम जब इस संसार में आए थे तो हम पे क्या था? कुछ था। घर किसने दिया? भगवान ने। माता पिता किसने दिए? परिवार किसने दिया? सांस लेने किसने दिया? जो आगे की जो दिन दिखाई देता है हमें दिन में, वो सूर्य किसने प्रदान किया? रात को इतना सुंदर व्यू होता है, चांद तारे किसने दिए? हम जो खाते हैं जिससे जिंदा रहते हो किसने दिए? तो इतना सब कुछ एनवायरमेंट मिलने के बाद अगर हम उसको 10% ना दें तो हम कौन हुए? कौन हुए? आवाज नहीं आ रही। तो भाई देखो, समझदार को इशारा काफी होता है। तो अब जो जो मानता है कि भाई भगवान ने हमें कुछ दिया है और हमें उसका 10% उसे वास्तव में देना चाहिए, है तो 100 का 100 उसका, वो जब चाहे ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चुटकी बजारी सब उसका है। अब वो जबरदस्ती ले ले, इससे अच्छा तो प्यार से देने में 10% भी भलाई है नहीं। तो समझदारी इसी में है कि हम अपना कम से कम अब 24 घंटे में 10% क्या होता है, भगवान ने 24 घंटे दिया हमें एक दिन में, अब उसका 10% क्या होगा? 2 घंटे 40 मिनट। तो कम से कम 2 घंटे 40 मिनट भी नहीं, तो कम से कम 2 घंटे तो पूरे दिन में भगवान का नाम ले सकते हैं, नहीं ले सकते? 2 घंटे मतलब पूरी की पूरी भगवान 16 माला, अरे चलो 16 माला करने का समय नहीं मिलता, 4, 6, 8, 10, 12 जितना सुविधा मिलता है कम से कम उतनी कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो आज से करेंगे नहीं करेंगे? कौन कौन नहीं करेगा?
Jai 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 Jai
ग्रहण नहीं करते हैं, हैं? इसलिए ये दो भाई इन लोगों ने भागवत कथा करवाया, सत्संग करवा रहे हैं, भक्तों के लिए जो मदद कर रहे हैं, इसलिए इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। परिवार केवल ये दो भाई एक नहीं, अब सोचो केवल दो भाई, उनका जो धर्म पत्नी बैठी है ना, कहाँ उनकी पत्नी है, कहाँ एक पत्नी, ये भी दो लक्ष्मी है, ये भी दोनों लक्ष्मी। कभी कभी आप देखे ना, अगर पति अगर भक्ति में लाइन जाए ना, कभी पत्नी पीछे हटती है, कभी उनके देखना अगर पत्नी अगर भक्ति में जाए तो पति भी पीछे हटते हैं, कभी अगर पति पत्नी जाए तो बच्चे भी पीछे हटते हैं। लेकिन इनके देखो परिवार कितने अच्छे परिवार, केवल पति पत्नी भजन करते हैं ऐसे नहीं, इनके सब बच्चे हैं। देखो वो लड़की बैठी हुई, ये लड़की बैठी हुई, गले में कंठी माला तिलक, इनके सारे बच्चे लोग सबके सब हरिनाम करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, संतों सेवा में लगे हैं। इसलिए भागवत में बताए कि भगवान नरसिंह भगवान कह रहे हैं बंसने अगर एक व्यक्ति प्रभु की भक्ति में लग जाए, कितने एक व्यक्ति अगर प्रभु की भक्ति में लगा जाए, भागवत कहता है उसको 21 पीढ़ी उद्धार हो जाते हैं, उसको पिता माता स्वर्ग से हाथ उठा उठा कर नाचने लग जाते हैं। हमारे कितने भाग्य, हमारी वंश में एक प्रभु की भक्ति करने वाले जन्म ले लिया, कभी पृथ्वी धन्य हो जाती है। जो पिता माता की कोख से वो बच्चा जन्म लेता है उनको गर्भ धारण करना सार्थकता हो जाती है। अगर घर में एक बच्चा भक्ति में लग जाए और इनके पूरा के पूरा परिवार भगवान की संत की सेवा में, ठाकुर की सेवा में, और दिन दा रोज ले आते मट्ठा ठाकुर जी के लिए, रोज कभी पनीर की जरूरत हो, कभी दूध की जरूरत हो, तिल खोल कर ना सचमुच से है, ये इतने सेवा करते हैं, इतने इतने संतों की सेवा करते हैं, उन्होंने अपना मंदिर और अपना घर को उन्होंने फर्क नहीं माने। हमने देखा अपना मंदिर है ना, संतो अपना घर को फर्क नहीं मानते, रोज मट्ठा लेकर आ जाएंगे सबरे, कोई दूध लेकर के आ जाएंगे मंदिर में, दूध मट्ठा पनीर कोई घी किसी चीज की जरूरत हो, दिल खोल करके ये संतों की ठाकुर की सेवा करते हैं। इसलिए मतलब भगवान इनको हृदय कितना बड़ा हृदय दिया, ठाकुर जी इनको कितने बड़े, इसलिए हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे इनको पर खूब कृपा ठाकुर जी करें, हैं खूब इनको आनंद दें, इनको खूब घर में शांति सुख दें, हैं इनको शांति सुख शांति घर में दें, ये खूब फलते फूलते रहे, हैं फलते फूलते रहे। आप लोग भी अपना परिवार कैसे बनाओ, ठीक है ना, जिस परिवार में भगवान की भक्ति हो, जिस परिवार में भक्ति भजन करे ना, वो घर घर नहीं रहे, वो घर भगवान का धाम हो जाता है, भगवान की वही बोलो के वृंदावन है। जिस घर में भगवान की कीर्तन सत्संग बच्चे भजन करे, वही तो राम जैसे बेटा हो और सीता जैसे पत्नी हो और लव कुश जैसे बच्चे हो, हर घर में रामायण हो, बस वही अयोध्या। अयोध्या मतलब क्या, जहाँ पर कभी युद्ध नहीं होता है, हैं? इसलिए अयोध्या और अवध मतलब क्या, जहाँ पर किसकी मृत्यु नहीं होता है, जहाँ पर किसकी मृत्यु नहीं होता है। इसलिए हम यही चाहेंगे, क्या चाहेंगे, ठीक है, इसलिए हम यही चाहेंगे क्या, सबके सब भगवान की भजन करो, भक्ति करो, और भगवान की भक्ति भजन में ही संसार में हम सुखी रह सकते हैं। ये दुनिया की कोई भी वस्तु हमें शांति सुख नहीं दे सकता, केवल भगवान की प्रेम भगवान की भक्ति ही जीवन में शांति देगा। एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक कोई एक पिंजरा हो, है पिंजरा के अंदर में कोई तोता है, लेकिन अगर हम तोता को खाना नहीं खिलाए, अगर हम पिंजरा को दिन भर पेंटिंग करते रहे, तोता जिंदा रहेगा, तोता मर जाएगा, तोता मर जाएगा। हम भी यही कर रहे हैं, शरीर को तो बढ़िया खिलाते हैं, इसको सजाते हैं, इसको ब्यूटी पार्लर में ले जाते हैं, लेकिन इसके अंदर में जो तोता बैठा हुआ ना, जो परमात्मा, उसको कोई भोजन हम नहीं देते। उसका भोजन क्या है, भगवान का नाम। एक बार हाथ उठा कर बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अरे सर जोर से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। कहते आज हमारे घर में
में संत लोग क्यों आए? देखो, जैसे हमने एक गमला में एक पौधा बोया, अगर उसमें पानी नहीं दोगे तो क्या होगा? धीरे 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 पौधा पौधा क्या होगी? धीरे 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 सूख जाएगी। इसलिए हम लोग को हमने माला देकर गया था, माला देकर गया था ना, माला दिया, तिलक दिया, भगवान की कंठी देकर गया है। इसलिए ये तो पौधा हमने बोया है, लेकिन अगर उसमें पानी नहीं दोगे तो धीरे 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 वो सूख जाएगी। कहते हो पानी क्या है? कहते ये सत्संग है, ये सत्संग ही पानी है। अगर बीच बीच में अगर हम सत्संग सुनते रहेंगे, फिर हमारा जो पौधा है ना, पूरा एकदम पनपनाते हुए एकदम हरी भरी रहेगी। ये पौधा कभी सूखेगी नहीं, पौधा कभी सूखेगी नहीं। इसलिए इसलिए हम लोग आए हैं, हम लोग को दो बार जगाने के लिए। जो माला लिए हो, रोज आना, नियमित पूर्वक माला करना, ठीक है ना। माला को कभी भूखा नहीं रखना। भूखा मतलब होता है अगर एक दिन हमने माला नहीं जप की, ठाकुर जी भूखे रह गए, कपड़ा नहीं बदला है, ठाकुर जी स्नान नहीं किए हैं। इसलिए रोज आना, ये हरि नाम करना, और हरि नाम ही हमारी काम में आएगा। इसी से ही जीवन में सुखी रहेंगे, इसी से ही शांति रहेगा। और गले से कभी कंठी नहीं उतरना। कभी अगर कंठी टूट गया तो उसको फिर धागा में खो करके पहन लेना। नहीं तो ये लोग आते हैं मंदिर में, अगर इनको बोल दो ये भी तुम कर लिए, माला लेकर के आ जाएगी। और जो तिलक है, अगर तुम्हारे पास में अगर तिलक को लगाना नहीं हो तो इनको बोल दे कि अभी मंत्री से तिलक ले आए। तिलक लगाने का बड़ा महत्व है, हैं? तिलक जरूर लगाया कराइए। ब्रह्मा विष्णु या महेश है, अभी वो प्रभु जी बता रहे थे ना, धीरे धीरे जिसे मांग करते करते आदत बन जाती है, तिलक लगाते लगाते आदत बन जाएगी। है आप देखो, देखो इनको, इनको पत्नी को, देखो दोनों पत्नी को देखो कैसे तिलक लगा कर, कितना सुंदर तिलक लगाए, ठीक है ना। ये तिलक लगाने पर ठाकुर जी तुम्हें अपनी आप स्वीकार कर लेते हैं, सब समझ जाती है मेरी गोपी है, कृष्णा समझते हैं मेरी गोपी है, अपनी आप ठाकुर तुम्हें स्वीकार कर लेंगे, ठीक है ना। तिलक, कंठी, माला, ये चीज तीन चीज को एकदम पक्की रखना, ठीक है। घर में जो कुछ खाओ पहले ठाकुर जी को भोग लगा, ठाकुर को घर के पास में थोड़े से पता दे करके ठाकुर जी को भोग लगा, ठीक है ना। घर में जैसे बच्चों को जल्दी जल्दी जाना, नहीं तो पति को कहीं जल्दी जल्दी काम में जाना है, जैसे रसोई बन गया पहले क्या करना, पहले उसको उतार के रख लो, ठाकुर जी के लिए अलग प्लेट में रख लो। अगर बच्चों को जल्दी जल्दी जाना, भोग लगाने में देर हो रही है, पहले उसको प्लेट में उठा कर रख दो साइड में, फिर उसको जब अग्रभाग पहला भाग जब निकाल दिया ना, वो ठाकुर को भोग ही लग गया। अब तुम्हें जब समय होगा फिर उसको ठाकुर जी को ठीक से भोग लगाना, ठीक है। और प्याज लहसुन को नहीं खाने का, ठीक है ना, प्याज लहसुन को नहीं खाना, क्योंकि जो प्याज है भागवत में दो कथा आई है, आपको तो मैंने सुनाया था। पहले पहले ऋषि लोग आश्रम में गैया पालते थे, वो माता है, इसलिए गैया को मरने नहीं देते थे। जब कोई गैया बूढ़ी हो जाती थी, यज्ञ करते थे, यज्ञ करके गैया को उसमें बलिदान देते थे, और उनके पास में इतने मंत्र शक्ति होती थी, जब वो मंत्र पढ़ते थे बूढ़ी गैया भी जवानी बन जाती थी, इतने मंत्र शक्ति। कहीं आश्रम में गैया बूढ़ी हो गई, उन्होंने यज्ञ की अनुष्ठान की और गैया को बलिदान दिया, सबका हाथ में मांस दे दिया, सबके से आहुति देने के लिए। हर तरह के व्यक्ति होते हैं, किसी व्यक्ति मांस देकर उसको खाने की इच्छा हो गई, बोले सबके सामने हम खाएंगे इसे, बोले राखों में हम छुपा देता, हमने राखों में छुपा दी। लेकिन जब ऋषि ने मंत्र पढ़ा, गैया फिर जवानी बन करके प्रकट हुई, लेकिन जिस अंग का मांस को उसने छुपाया था वहां पर घाव बना हुआ, वो भरा नहीं, क्यों? वो छुपा दिया ना। ऋषि तो त्रिकाल दृष्टा थे, ध्यान लगाए कैसे कैसे हो गया, हमने सब कुछ देख लिया, अभिशाप दे दिया, जहां पर ये मांस को गाड़ दिया वहीं से प्याज की पौधा हुई। जैसे मांस लाल लाल रंग के, प्याज भी लाल लाल रंग के बनेगा। जैसे मांस सड़ जाने पर बदबू आती है, कच्चा प्याज खाओ मुंह से इतने बदबू आए कि से बात नहीं कर सकते हो, कच्चा प्याज को काटो हाथ से आंसू आ जाती है और उसका बदबू फैल जाती है। जब नवरात्रि आती है 9 दिन तक उसको कोई नहीं खाते। हमने सुना यहाँ कभी नवरात्रि आए तो प्याज लहसुन को घर में भी नहीं घुसाते, प्याज लहसुन को घर में भी 9 दिन तक कोई घर में नहीं घुसाते, क्यों? माता जी को पसंद नहीं, माता जी को तभी तो नहीं घुसाते, नहीं खाते हो क्या? 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा शुरू कर दी,
इसलिए जो चीज माता जी को पसंद नहीं, जो चीज कान्हा को भोग नहीं लगता है ठाकुर जी को, वो चीज हमें भी पसंद नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए बगैर प्याज लहसुन के कितने तरह का मसाला आता है डाल करके ठाकुर जी को भोग लगाओ। भगवान की भोग खाने से अब देखना घर में ठाकुर को भोग लगा कर भोजन करना। देखो कृष्ण खुद गीता में कहते हैं, अर्जुन प्रसाद ये सर्व दुखाना, जो मेरे को भोग लगा कर खाएगा उसको घर में कोई दुख कष्ट नहीं आएगा। कृष्ण खुद कहते प्रसाद मतलब आशीर्वाद है, और जो भगवान को भोग लगाएगा उसको घर में लक्ष्मी भी आती है। मैंने बताया ना सुदामा जी पहले गरीब क्यों बना, टीवी में देखे होंगे ठाकुर को बिना दिए छुपा छुपा कर खाए। धनी क्यों बने, जब ठाकुर जी के लिए दो मुट्ठी चिड़वा लेकर गए, ठाकुर जी एक मुट्ठी खाए, दो मुट्ठी खाए, तीसरे मुट्ठी खा रहे थे तो रुक्मिणी हाथ पकड़ नहीं प्रभु, अपने दो मुट्ठी खा लिया सारे ऐश्वर्य घर में पहुंच गया, और घर में आग तकता सोने की वजह पत्नी राज रानी बनकर बैठ गई। क्यों, ठाकुर जी को उसने खिलाया, ठीक है ना। घर में ठाकुर जी को भोग लगा कर खाया करो, ठीक है, खाते हो कि नहीं, हाँ सबके सब ठाकुर जी को भोग लगाओ, हरि नाम करो। और जो सवेरे जब तक थोड़ी माला नहीं कर लेते हो ना तब तक भोजन नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, कुछ माला करके ही भोजन करो और भोजन प्रसाद माना, ठीक है। और सवेरे तो कोशिश करना कुछ माला करके, फिर दिन में जब समय मिलेगा तुमको कोशिश करना धीरे धीरे जो माला करती हो, जैसे 2 से 4, 4 से 5, 5 से 6, धीरे 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 बढ़ाने के लिए कोशिश करना माला को, धीरे धीरे संख्या बढ़ाओगे, जितने भगवान के नाम करोगे उतना पाप कटेगी, उतना जीवन में शांति सुख मिलेगा, और अंतिम समय में यही धन ही तुम्हारी काम में आएगा, और कोई धन हमारे काम में नहीं आएगी, ठीक है ना। सबके सब माला कोशिश करना, जैसे 16 माला तक कर सकते हो, कितने 16 माला तक, जैसे कम से कम हो जाए, यहाँ माता लोग तो करके बहुत बहुत माला करती है, ठीक है, लेकिन कोशिश करना धीरे 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 अपना समय को बैठ करके बेटी बहू की बात नहीं करके, इधर उधर चुगली फुगली छोड़ करके, हैं कभी घर में बैठी करके बेटी बहू की ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। अब जिसकी चुगली करोगे ना उसको जितने बुराई जितना पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा, हाँ जिसको बुरा, एक छोटी सी कथा सुनो ध्यान देकर, बोले एक समय क्या हुआ ध्यान देकर सुनो, ये चुगली का कितना पाप कर्म है चुगली है। इसलिए एक समय क्या हुआ, एक संत ने एक राज दरबार में भिक्षा मांगने के लिए, इतने में जो साधु था जो राजा था ना, बोले काम करके खा नहीं सकते हो, हाँ भीख मांगने आ गया, उसने किया घोड़े का जो लीड है ना जो बिस्टा उसने थाली में दे दिया, लेकिन संत था उसको लेकर चला गया। एक दिन राजा घूमते घूमते जंगल में पहुंचा जहां पर वो संत भजन करता है, जब वहां पर पहुंचे ध्यान देकर सुना, जब वहां पर पहुंचे उन्होंने देखा जो घोड़े का जो लीड है ना एकदम पर्वत आकार में, बोले ये क्या इतने घोड़े का लीड इतना कहां से आ गया। वो जा करके देखा वो जो साधु को दिया था, वो साधु बैठ करके माला जप कर, बोले बाबा ये क्या है, बोले याद है आपको आपका घर में मैंने भिक्षा लेने के लिए आया था, आप मेरे को भिक्षा रूप में क्या दिया था, मेरे थली में क्या दिया था, झोली में घोड़े का लीड दिया था ना। संतों को जब कोई चीज हम देते हैं वो कभी घटेगा नहीं, वो बढ़ेगा। संतों को कोई चीज दोगे वो चीज कभी घटेगी नहीं, वो बढ़ेगी। संतों को तुमने घोड़े का लीड दिया तो बढ़ेगा, एक दिन इतने बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ेगा ये घोड़े का लीड, तेरे राज्य में घोड़े का लीड के सिवाय कुछ भी नहीं रह जाएगा, पूरा तुम्हारे राज्य में घोड़े का भिष्टा भिष्टा लीड हो जाएगी। राजा डर गया, मैंने तो गलती की, संत के चरण में गिर पड़े, बोले बाबा माफ कर दो मेरे अपराध हो गया, माफ कर दो। इतने में बोलो कैसे मेरे मंगल होगा, कैसे इसके घटेगा कैसे, बोले देखो अगर तुम्हारे राज्य में तुम्हारी कोई चुगली करता है निंदा करता है, फिर जो चुगली करेगा ना, जो चुगली करेगा जिसका करेगा उसका पाप सब खत्म हो जाएगा, और जो करेगा उसको ऊपर में सारी दोष आ जाएगी। बोले बताओ क्या करनी चाहिए, बोले तुम्हारे घर में तुम्हारी की बेटी है ना जो कि शादी के लायक कुंवारी हो गई, बोले हाँ, बोले तुमको तुम एक काम करना, तुम्हारे घर को सामने जो बगीचा है उसमें तुम एक कुटिया बना करके अपना बेटी को साथ में रहा करो,
जब रहोगे क्या होगा, पूरा राज्य तुम्हारी चुगली करके। देखो कितने दुष्ट राजा अपनी बेटी को अकेले लेकर के रह रहा है। जब सारा दुनिया राज्य चुगली करेगा फिर क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हारी पाप खत्म हो जाएगी। सचमुच से राजा ऐसे किया, पूरा राज्य में उसकी चुगली चुगली, जिस घर में जाओ वही, जिस घर में जाओ जानते हो राजा क्या कर रहा है, इतना गंदा काम कर रहा है, अपनी जवानी बेटी को लेकर के अकेला रह रहा, पूरा चुगली चुगली हो गई। एक दिन राजा संत का घर में आए, जब घर में आए ना देखा जो लीड था खत्म, सारे खत्म, लेकिन एक टोकरी रह गई, एक टोकरी रह गई, छोड़ी जा रही वो खत्म नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा महाराज सब तो खत्म हो गया, एक टोकरी क्यों रह गई। बोले तुम्हारे राज्य में एक बूढ़ी माता जी है, वो कभी किसकी चुगली करती नहीं, दिन रात माला लेकर के भगवान के नाम जप करती है, कभी किसकी चुगली नहीं करती, उसकी हिस्सा अभी रह गई। अगर वो चुगली नहीं करेगी ना, पर ये हिस्सा खत्म नहीं होगी, अगर चुगली नहीं करके इसको तेरे को खाना पड़ेगा, एक टोकरी जो घोड़े का लीड तेरे को खाना पड़ेगा। राजा सोचा अभी क्या करे। एक दिन राजा अपना भेष बदला लिया, भेष बदला करके छुप करके वो बूढ़ी माता जी को घर में पहुंचे, जा करके देखा माता जी बैठ करके माला लेकर तो बैठी हुई, और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, जोर से बोलो हरे माताजी, तेरे को पता है वो राजा क्या कर रहा है, वो राजा क्या कर रहा है, वो सोच रहा है तो बोलेगी राजा अपना बेटी को जवानी बेटी को लेकर रह रहा है। लेकिन इतने में जो बूढ़ी माताजी है ना एकदम उसको क्रोध आया, अरे राजा खबरदार मेरे सामने कोई बात मत करो, मैं अपना भजन का प्रताप से सब कुछ जानती हूँ, तुम वही राजा हो, तुम बेस बदला करके आए, जब संत तेरे घर में आए थे तुमने उसको लीड दिया, वो घोड़े का लीड दिया था ना, वो जो एक टोकरी बच गया ना तेरे को खाना पड़ेगा, मैं कभी किसकी चुगली नहीं करती हूँ, तेरे को ही खाना पड़ेगा। देखो इसका मतलब है जब हम किसी चुगली करते हैं ना उसका सारे बुराई तुम्हारे ऊपर आएगा, इसलिए चुगली उगली इधर उधर नहीं करके है क्या करो, माला लेकर के ज्यादा से ज्यादा ठाकुर का नाम जप करो, है भगवान के नाम जप करोगे तो जितना पुण्य मिलेगा यही धर्म तुम्हारे साथ में जाएगी, और अंतिम समय में यही तुम्हारे काम में आएगी और कोई काम में नहीं आएगी, ठीक है ना। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भजन करो, भगवान की भक्ति करो, और बच्चों को भी तुम्हारे घर में सुना इधर जो बच्चे हैं उनको भी बोलो एक एक माला, जिन बच्चों का पढ़ाई ठीक नहीं हो रहा है, ठीक से पढ़ नहीं रहे, उसको बोलोगे एक माला जप करके स्कूल जाए, देखोगे एकदम उसका पढ़ाई भी बढ़िया होगा, है पढ़ाई में भी उसकी मन लगेगी, है। और जो बच्चा प्रभु का भजन करेगा बस वो तो भक्त हो गया, उसका मन गलती गलती चीज में नहीं जाएगी, उल्टा पुलटा चीज में नहीं जाएगी, बच्चे का संस्कार बनेगी, है। और घर में बच्चा अगर भजन किया ना बस भक्त वैष्णव बन गया, क्या तुम्हारी अपनी आप ध्रुव महाराज भजन किया तो उसको मैया सीधा वैकुंठ चली गई, क्योंकि बेटा ने भजन किया, प्रहलाद महाराज भजन किया तो उसको पिताजी प्रहलाद से पहले वैकुंठ चले गए, इसलिए बच्चे अगर भजन करेंगे तो तुम्हारे भी कल्याण, ठीक है ना। बच्चों को एक माला करवाना सबके सब, पहले बेटा स्कूल जाने से पहले एक माला करके जाओ, करोगे ना, ये तो करती है, करती है ना माला, सबके सब माला करना, ठीक है। बोले श्री वृंदावन की जय, हरि के आनंद की जय, जय जय राधे राधे बोल। हरे कृष्ण नचाई, एक बढ़िया भजन नाचने का भजन गा, हाँ बोलते थोड़ा कि तुम नचा लो, खड़े हो जाओ प्यारे को राधा रानी।
Thank you.
प्रहलाद महाराज की जय, गौर हरि की जय, प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, जय जय श्री राम।